तो मार्को छाता कस्बे के शेरगढ़ रोड पर पहलवान ढाबे पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस दौरान आबकारी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ढाबे पर अवैध शराब की बिक्री की जाती है। इसी सूचना पर उन्होंने ढाबे पर छापेमार कार्रवाई की, लेकिन उन्हें ढाबे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस दौरान ढाबा संचालक रामवीर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके ढाबे पर आए दिन आबकारी विभाग के अधिकारी आते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका ढाबा भी सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। ढाबे को लेकर लोग बाग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंच रही है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर के द्वारा उन्हें आए दिन हड़काया जाता है। दावे के साथ चेकिंग की गई, लेकिन फिर भी उनके ढाबे पर कुछ भी नहीं मिला। अभी आपने छापेमार कार्रवाई की है, क्या कुछ क्या मिला है? नहीं, हमें अभी मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस पहलवान ढाबे के ऊपर अवैध जो है कि शराब बिक्री होती है, लेकिन हमने ढाबा पे छापा मारा, छापे के दौरान कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। कोई नहीं हुई? नहीं। अच्छा, क्षेत्र में और भी कई जगह पे ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी अवैध शराब है, गांजे, ऐसे तमाम चीज़ें बिक रही हैं, उन पर क्या लगाम लगता है? जैसे जैसे हमारे पास सूचना मिलती है, हम उसके अनुसार कार्रवाई करते रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जी जनता पहलवान के नाम से जानती है, मेरा नाम रामवीर है। अच्छा, अभी यहाँ आबकारी विभाग का छापा पड़ा था, क्या मामला था ये? जी, उनको शक है कि यहाँ दारू बेचती है। मैं दारू बिल्कुल नहीं बेचता हूँ, और मुझको आए दिन परेशान करते हैं ये लोग आबकारी विभाग वाले। जी जी, आबकारी विभाग ही आती है मेरे पास, और कोई नहीं आता साहब मेरे पास। सबको पता ये लड़का बेच ही नहीं आ रहा, तो क्या करें? चाहे अभी यहाँ छापेमार कुछ मिला उनको? उनको कोई कुछ नहीं मिला, एक्स वाई जेड। मैंने तो ये कह दिया था, भैया एक एक ईंट फोर के देख लो, कहीं मिल जाए तो मुझे शमशान पहुंचाओ, डायरेक्ट जेल भी मत पहुंचाओ, मैं डरता नहीं हूँ। तो उनने बोला, भाई तू नहीं बैठा रहे और अपना मोबाइल दे दे हमको, मैं मोबाइल को ले लो और कुछ चाहिए और कुछ सामान ले लो। पहले भी आए थे यहाँ पे कभी? जी, ये आए दिन परेशान करते हैं मुझको। ये आपूर्ति आबकारी इंस्पेक्टर थे? आबकारी इंस्पेक्टर थे, हाँ। मैं नाम तो जानता नहीं हूँ, चश्मा पहन रखा था, बारिश से शरीर में।